नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रतिभा और प्रतिभा के चैनल मन भावन रसोई में आप सबका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि शुरू हो चुकी है, तो मैं आप सबके लिए बहुत ही जल्दी से बनने वाली फलहारी कच्चे केले की टिक्की और चाट की रेसिपी लेके आई हूँ, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और मात्र 2 चम्मच घी में बन के तैयार हो जाती है। ये टिक्की अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी होती है, तो चलिए इसे जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने 4 केला लिया है। कच्चे केले को हमने 1 कप पानी डाल के 2 सीटी आने तक इसे उबाल लिया और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब इसे हम छील लेंगे। ठंडा होने पे छिलकों को हटाना काफ़ी आसान होता है। ये सारे केलों को हम छील लिए हैं। अब एक ग्रेटर लेंगे और उसे ग्रेट करेंगे। यहाँ पे ये जो बड़ा वाला होल दिखाई दे रहा है, हम उससे ग्रेट कर रहे हैं। इसे जल्दी से हो जाता है। आप चाहें तो आलू मैशर से इसे मैश भी कर सकते हैं। केले की टिक्की खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। देखिए, सारे केले को हमने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। इसे ग्रेट करने में बहुत ही कम समय लगता है। अब इसमें हम 1 चम्मच सेंधा नमक डालेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लें। यहाँ पे 3 कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया। धनिया का फ्लेवर इस पे बहुत ही अच्छा लगता है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल के हम मसालों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। धीरे धीरे करके हम सारे मसालों को अच्छी तरह से यहाँ पे मिला लिए हैं। अब इसकी टिक्की बनाएंगे। अब हाथों पे थोड़ा सा घी लेंगे और एक पेड़ा तोड़ेंगे और इसे प्रेस करते हुए किनारों से सही शेप को करते हुए इसकी हम टिक्की बना लेंगे। टिक्की को आप बड़ी छोटी अपने मनपसंद कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी पहली टिक्की बनके तैयार है। अब दूसरी टिक्की को बना लेंगे। बस गोल गोल पेड़ों को करेंगे और प्रेस कर लेंगे हथेलियों से, किनारे से शेप को थोड़ा सा सही कर लेंगे। बस हमारी टिक्की बनके तैयार है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे हमने सारी टिक्की बना के तैयार कर ली है। अब इसे सेकेंगे, तो इसके लिए हमने एक लोहे की तवा ली है और इस पे 2 चम्मच हम देसी घी डाले हैं। आप व्रत में जो भी तेल खाते हो उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में ये टिक्की बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। घी को मेल्ट होने देंगे। आप इसे लोहे की कढ़ाई में भी सेक सकते हैं घी डाल के। घी को थोड़ा सा फैला लेते हैं। घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तब अपनी टिक्की को हम डालेंगे सेकने के लिए। यहाँ पे एक साथ हमने 4 टिक्की डाली है। आपके तवे पे जितनी टिक्की आए आप डाल के सेक सकते हैं। थोड़ी देर बाद इसे पलटेंगे। देखिए कितना सुंदर कलर आया है हमारे टिक्की का। अब दूसरी तरफ भी इसी तरह से गोल्डन रंग आने तक इसे हम सेक लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। आप इसे चाहे तो तल भी सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सेका है। अब बची हुई टिक्की को भी इसी प्रोसेस से हम सेक लेंगे। घी डालें और टिक्की को रखेंगे और गोल्डन रंग आने तक इसे हम सेकेंगे। गोल्डन रंग आ गया, इसे दूसरी तरफ से पलट लेते हैं और दूसरी तरफ से भी इसे सेक लेंगे अच्छी तरह से। इस टिक्की को भी हमने सेक के तैयार कर लिया है। तो हमारी टिक्की देखिए कितनी जल्दी से और कुरकुरी बन के तैयार है और खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। इसकी मैं आवाज़ आपको पास से सुनाती हूँ। कितनी क्रंची टिक्की हमारी बनके तैयार हुई है। इसे हरी चटनी के साथ सर्व कर लेंगे। अब हम चाट बनाने की तरफ चलते हैं। 2 टिक्की लेंगे, उसे थोड़ा सा मैश कर लेंगे। हरी चटनी डालेंगे ऊपर से, दही डालेंगे, खट्टी मीठी इमली की चटनी, रोस्टेड जीरा पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, लाल मिर्च पाउडर,
थोड़ी सी हरी धनिया से गार्निश कर लेंगे और अनारदाना। वाओ, इसे तो देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। अगर ये रेसिपी ट्राई करने पे हमारी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।